ये अपना स्टोर है, ये रॉ मटेरियल है जो भी बियर में यूज़ होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ इसमें रहता है, कोई ऐसा सिंगल नहीं है। तो इसमें यूज़ होता है बार्ले, बार्ले भी जैसे मॉल्टेड बार्ले यूज़ होता है। तो इसको क्या करता है, जैसे इसका एक प्रोसेस रहता है इसको मॉल्ट बनाने का, उसमें इसको पानी में सोक करते हैं और कुछ दिन का प्रोसेस ये रहता है। उससे क्या रहता है कि इसमें एंजाइम की एक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है, और थोड़ा सा इसमें जो शुगर का कंटेंट होता है वो भी बढ़ जाता है। जो हमें फर्मेंटेबल शुगर चाहिए होता है बियर बनाने के लिए, तो वो ये यूज़ होता है इसमें। इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ रहती है, और जैसे रोस्टेड माल्ट इसमें रहता है और वीट का भी रहता है ना। तो जैसे ये अपने पास है एक्सट्रीम मेटल माल्ट, ऐसा रहता है ये। ये मिलिंग यहाँ पे होता है इसका, मिलिंग इसको क्या करते हैं, ऐसे ऊपर से डालते हैं और नीचे से ये क्रश होके आ जाता है। बिल्कुल फाइन क्रश नहीं होता है, थोड़ा सा ऐसे, मतलब जैसे आपका मोटा मोटा, हाँ मोटा रहता है। ये वाला सेक्शन है, इसको बोलते हैं ब्रू हाउस। तो ब्रू हाउस बोलते हैं ब्रू हाउस। तो ये यहाँ से ही अपना जो प्रोसेस रहता है, यहाँ से शुरुआत यहीं से ही होती है। जैसे अपना ग्रीस का अपना पीस के आ गया, तो फिर यहाँ पे उसको इस वाले टाइम में इसको डालते हैं। इस वाले टाइम को बोलते हैं मैच टाइम। तो हाँ मैनुअली डालते हैं, मशीन से भी डालता है। ये टैंक है, इसको बोलते हैं मैश कैटल या मैश टन। अभी इसको थोड़ा सा वार्म वाटर में डाल के ग्रीस, ग्रीस को इसमें डालते हैं। जैसे आपको पोरिक जैसा बनता है, दलिया बनता है, जैसे इसका थोड़ा मैशिंग, इसको मैश बोलते हैं ले लेते हैं। तो ये वाला जो टैंक है इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉटर टैंक, LT इसको हम बोलते हैं। तो इसमें जो प्रोसेस इसका होता है उसको लॉटरिंग, उसको लॉटरिंग इन द सेंस, मतलब उसको फिल्टर करते हैं। कैश आ गया, फिर उसको इसमें ट्रांसफर लेने के बाद, फिर इसमें जैसे आप देखोगे ना, इसमें फॉल्स बॉटम है नीचे, इसमें नीचे थोड़ा जाली टाइप का रहता है, ये फॉल्स बॉटम और ये रैकिंग काम है, ऐसे ये मूव होता रहता है। उसके बाद रैकिंग करते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो मैश का जो जो इसका छिलका होता है वो जो ऊपर रह जाता है, और जो इसका लिक्विड होता है जो एक्सट्रैक्ट होता है, वो फिल्टर होके वो आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अपने का जो इसका जो वेस्ट होता है उसको बोलते हैं स्पेंट ग्रेन। जो स्पेंट ग्रेन होता है वो जैसे आपके कैटल्स हो गया, आपके काऊ हो गया या हॉर्स हो गया, उसको फीड करते हैं उसको, तो उनके लिए भी वो मतलब हेल्थ के लिए अच्छा होता है। काइंड ऑफ लाइक भूसा जैसा हो गया, हाँ पूरा ऑल टाइप जो है चीज़ है, पूरा जो लिक्विड अपना वहाँ से फिल्टर होके आएगा, आगे वहाँ से फिल्टर होकर जो आएगा लिक्विड, उसको हम बोलते हैं वर्ट, WORT वर्ट, वर्ट जो वर्ट होता है वो यहाँ पे कलेक्ट होता है। तो वो बहुत शुगरी जैसा रहता है और थोड़ा मीठा रहता है वो, उसमें पूरा उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है उसमें आ जाता है, जो भी माल्ट का एक्सट्रैक्ट होता है उसमें आ जाता है। उसके बाद ये बॉइलिंग कैटल, तो इसमें क्या करते हैं बॉइलिंग करते हैं उसमें, तो बॉइलिंग करने से जो उसके जो उसमें मतलब ये होते हैं माइक्रोब्स होते हैं, जो अनवांटेड बैक्टीरियाज और कंटामिनेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है बॉइलिंग करने से, स्टरलाइज हो जाता है। और फिर उस बॉइलिंग के मतलब प्रोसेस के मतलब दौरान उसमें हॉप्स भी ऐड करते हैं। तो हॉप्स से क्या होता है, थोड़ा फ्लेवर आता है, बिटरनेस आता है, ठीक है, थोड़ा उसमें मतलब अरोमा भी ऐड हो जाता है। तो वो इसी में ऐड करते हैं बॉइलिंग कैटल में। उसके बाद बॉइलिंग प्रोसेस होने के बाद ये बॉइलिंग कैटल, उसके बाद ये है वर्लपूल टैंक, वर्लपूल। तो इसमें क्या रहता है कि जो बॉइलिंग होने के बाद वो इसमें ट्रांसफर होता है,
तो इसमें जब ट्रांसफ़र लेते हैं तो इसमें ये ऐसे बर्लपुल की तरह ऐसे घूमता है, तो ऐसे थोड़ा सर्कुलर मोशन रहता है, तो उसमें क्या रहता है जो उसके सेडिमेंटेशन होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जो भी उसको ट्रब बोलते हैं, जो ट्रब होता है वो नीचे सेटल हो जाता है, और जो क्लियर वॉट होता है उसको हम ऊपर से ले लेते हैं, जो हमें चाहिए ऊपर से आ जाता है, और जो उसमें एक्स्ट्रा जो भी कचरा या जिसको हम ट्रब बोलते हैं वो नीचे सेटल हो जाता है, और वो इसी में रहता है, उसको फिर ट्रेन कर देते हैं। तो वर्लपूल होने के बाद जो वॉट रहता है वो 98 डिग्री का, मतलब उसका टेम्परेचर रहता है, काफ़ी गर्म रहता है। तो जो उसको ट्रांसफ़र जब लेते हैं टैंक में, फर्मेंटर में जब उसको लेते हैं फर्मेंटेशन टैंक में, ये है, तो वो ऑन द लाइन उसको हम चिल करते हैं, तो वो यहाँ से इस लाइन से जाता है ऐसे, इसको थ्रू वो पास होता है, इसको पीएचई बोलते हैं, पीएचई मतलब प्लेट हीट एक्सचेंजर। तो इसमें ऐसे प्लेट्स लगा रहता है, एक साइड से चिल वाटर पास होता है और एक साइड से हॉट वाटर जाता है। तो जो भी हमारा डिज़ायर टेम्परेचर है, जैसे 15 डिग्रीज, 20 डिग्रीज या 10 डिग्रीज, तो वो हम डायरेक्टली उसको ऑन द लाइन ही ठंडा करते हैं। ये है बॉयलर एरिया, तो जैसे मैशिंग करते हैं, बॉयलिंग करते हैं, और हमें पानी भी चाहिए होता है, तो वाटर हम यूज करते हैं, ये हमारा वाटर टैंक है, तो इसको हीट करने के लिए हम बॉयलर का यूज़ करते हैं। बॉयलर क्या करते हैं, उसमें उसको पानी फीड करते हैं, नॉर्मल वाटर, आरओ ट्रीटेड वाटर उसको फीड करते हैं, और वो स्टीम जनरेट करता है, ये स्टीम बॉयलर है। तो स्टीम से क्या होता है, इसके इसमें जैकेट रहता है, ये वाले टैंक में सब बॉयलर में, इसमें इसमें ऐसे वो हॉलो रहता है थोड़ा सा, जो स्टीम इसके जैकेट में पास होता है, उससे जो डिज़ायर टेम्परेचर है, जैसे जो भी हमें चाहिए 60 डिग्री, 70 डिग्री, 100 डिग्री, जितना हमें चाहिए वो उससे आ जाता है। जैसे हम स्टीम उसमें ओपन करते हैं तो वो हीट होना शुरू हो जाता है, और वो ये ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है। जैसे आपको 60 डिग्री चाहिए तो आप 60 डिग्री सेट पॉइंट डाल दो, तो अपने आप 60 डिग्री टेम्परेचर ले लो, उसके बाद वो वाल्व बंद हो जाता है। तो इसके बाद हम एक यहाँ से होस कनेक्ट करते हैं, होस कनेक्ट करने के बाद यहाँ से उसमें फर्मेंटर में ट्रांसफ़र लेते हैं। ट्रांसफ़र लेने के बाद इसमें ईस्ट पिच करते हैं, ईस्ट पिच करने के बाद वो 2 वीक्स तक उसमें फर्मेंट उसको करते हैं, 1 वीक टू 2 वीक, डिपेंड करता है कि आप क्या वेराइटी है, कौन सा आपका ईस्ट का स्ट्रेन है, वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे रहता है। लागर का, जैसे लागर बियर है पिल्सनर, उसका टेम्परेचर अलग रहता है, और जो व्हीट बियर है, पेल एल है, और बॉक वेराइटी है, बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, तो सबका अपना अपना जो है प्रोफाइल रहता है, फर्मेंटेशन टेम्परेचर सबका अलग रहता है, मैश प्रोफाइल सबका अलग रहता है, डिपेंड करता है कि आप कैसा उसको, कैसा अरोमा चाहिए, कैसा हेड आपको चाहिए, और कैसा आपका बियर आपको टेस्ट करने में चाहिए, तो सबका ये रेसिपीज हम डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। इसमें ग्लाइकोल रहता है, और ये जैसे इसमें जैकेट रहता है ना, वैसे ही जो हमारे फर्मेंटर है, फर्मेंटेशन टैंक है, या आइस वाटर टैंक है, या फिर बीबीटी है, कोई से भी टैंक है, ये इसके जैकेट में सर्कुलेट होता है। तो इसमें जैसे जैकेट है, जैसे ये टैंक आपको दिखाई दे रहा ना, तो इसमें इसमें ऐसे हॉलो जैकेट रहता है, तो जो ग्लाइकोल है वो इसमें पास होता है, और जो आपको टेम्परेचर जैसे चाहिए वो उसमें आ जाता है। जैसे आप 0 डिग्री आप सेट पॉइंट इसमें डाल दोगे तो 0 डिग्री पर आ जाएगा। बिजली ग्लाइकोल करता क्या है? ये कूल करता है ना, चिल करता है। अच्छा, जैसा जैसे गाड़ी में कूलेंट डालते हैं। हाँ, ये कूलेंट एक तरह का, ये मतलब एंटी फ्रीज इसको आप बोल सकते हैं। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो माइनस में रहता है, -10 से भी नीचे होता है। तो ये क्या है, जैसे आपको माइनस में अगर लेना है, जैसे आपको इसका 0 डिग्री टेम्परेचर लेना है, तो इसका आपको ऑब्वियसली माइनस में लेना पड़ेगा ना, तभी वो इसका टेम्परेचर नीचे गिरा है। तो ये क्या उस इसके साथ ब्लेंड हो जाता है या ये वॉश आउट हो जाता है? ब्लेंड नहीं होता वो मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट लाइक ड्राई आइस या लिक्विड नाइट्रोजन। इसमें क्या रहता है, जैसे ये टैंक है ना, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, इसका अंदर से स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, ये अंदर से ऐसे जैसे ये है, इसमें इतना गैप होता है, बीच में एक जैकेट बीच में रहता है, तो जो जैकेट होता है वो जो ये आपका ग्लाइकोल है उसमें सर्कुलेट होता है, वो उसमें डायरेक्ट मिक्स नहीं होता है, वो उसमें सर्कुलेट होता है। तो जब सर्कुलेट उसमें होगा तो जो अंदर आपका जो भी मटेरियल होगा वो उसका टेम्परेचर आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप
जितना आपको कम चाहिए वो आपको उतना गिरा सकते हो। जैसे फर्मेंटेशन प्रोसेस जब हमारा होता है तो उसमें उसका टेम्परेचर राइज होता है, जो आपका रिएक्शन उसमें होता है उसका टेम्परेचर ऊपर उठता है। उसमें क्या होता है कि जैसे हम उसका जो टेम्परेचर है वो एडजस्ट करते हैं। जैसे मान लो आपको 15 डिग्री चाहिए सपोज, तो 15 डिग्री आपने जैसे सेट कर दिया वहाँ से, तो 15 डिग्री आपने सेट कर दिया तो वो 15 पे रहेगा। तो इसमें क्या होता है, ऊपर एक कॉइल होता है, सोलेनोइड कॉइल जिसको बोलते हैं। तो जैसे ही आप वो 15 से ऊपर जाएगा वो कॉइल अपने आप ओपन हो जाएगा, कॉइल अपने आप ओपन हो जाएगा तो वो टेम्परेचर डाउन होगा, और जैसे ही वो 15 पे आ जाएगा वो कॉइल बंद हो जाएगा। तो वो 15 पे ही मेंटेन रहेगा, मतलब जितना भी आपको चाहिए, 20 चाहिए या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, 0 डिग्री चाहिए, -1 चाहिए, तो उतने का। सीआईपी इन द सेंस मतलब क्लीनिंग इन प्लेस। तो जो हमारे टैंक हैं जब इसमें हम कोई भी मतलब बियर या कुछ भी रखते हैं, तो वो जब हम वो खाली जब हो जाता है तो उसका क्लीनिंग जो करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसका क्या काम होता है? इसका मतलब बियर आपने इसमें ले लिया, फर्मेंटर के से बाद आपने ट्रांसफर ले लिया, तो ईस्ट जो है आपका नीचे सेटल हो जाता है, ईस्ट को हम क्रॉप कर लेते हैं। तो ईस्ट क्रॉप करने के बाद जो बियर हम ट्रांसफर लेते हैं वो ब्राइट बियर उसको बोलते हैं। फाइनल हमारा प्रोडक्ट काफ़ी रेडी हो गया। जैसे पैस्चराइजर, ये पैस्चराइजर है, फ्लैश पैस्चराइजर। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक साइड से हॉट वाटर पास करते हैं, जैसे सेम कॉन्सेप्ट भैया जैसे चिलिंग का है वैसे ही इसका भी पैस्चराइजेशन का भी है ना। पैस्चराइजर मतलब ये थोड़ी शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है, शेल्फ लाइफ आपका बढ़ता है उससे। तो बियर यहाँ से पैस्चराइज होके फिर वहाँ पे ये हमारा जो है फिलर है, ये फिलिंग मशीन है वहाँ पे। अच्छा, ये फिलिंग मशीन है। अच्छा, जो है बॉटलिंग, बॉटलिंग यहीं पे होगा, बॉटलिंग यहाँ होगा। और कैगिंग किसमें होगी? कैगिंग यहाँ पे, यहाँ पे ये मशीन से होगा, ये कैग वॉश फिलर, क्या बोलते हैं इसको, कैग वॉशर एंड फिलर। वॉशिंग भी यहीं पे होगा कैग पर, जो आपका चेक रहते हैं ना 50 लीटर के, हाँ हाँ, तो वॉश भी यहीं पे होगा, उसके बाद फिलिंग भी इसमें, फिलिंग भी इसमें होगा। ये हमारे लेवलिंग मशीन का ऑपरेटर है, ग्रीन कलर की यहाँ पर यहाँ जाएगी, जैसे थोड़ा सा इससे लेवल होगा। ये हमारा बैच, ये हमारा बैच कोड है, यहाँ से जैसे बैच कोड जो आता है, हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ पे प्रिंट करता है ये, ओके। ये इसका हेड है, प्रिंटिंग हेड है, तो इसमें जैसे हम अपने हिसाब से डेट जो भी हमारा एक्सपायरी डेट या बैच बिफोर मैन्युफैक्चरिंग का डेट होगा, प्राइस होगा, वो उसमें फीड करके यहाँ पे इसको ये वैसे ही प्रिंट कर देगा जैसे हमें चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कन्वेयर पे बॉटल डाले हुए ना, हाँ जी, अच्छा ये ड्रिल लगी है, राउंड कर रही बॉटल, ये राउंड नहीं करेगा, ये मतलब गैप मेंटेन करेगा, गैप मेंटेन करेगा, नहीं तो बॉटल सारी एक ही साथ जाएगी।
ओके ओके, तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ये लेबल इसमें चिपक के फिर यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसका ये जू बियर है, नाम क्या जू है, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि जू क्यों, वाई कॉल्ड जू? मतलब ये एक्चुअली एक ब्रांड नेम है। जू मतलब ऐसे तो होता है जहाँ पर एनिमल्स, जैसे आपने देखा होगा ना बहुत सारे ब्रांड्स आजकल मार्केट में हैं, तो कोई आपका देखोगे आप जैसे बीरा या कोई सा भी आप देखोगे तो सबका कोई ना कोई जैसे एक एनिमल का उसमें कुछ है। एग्जैक्टली हाँ, जैसे व्हाइट राइनो है सिम्बा हो गया, राइट राइट, सॉरी ये अच्छा सीन है कि सारे आ गए, सारे मीरा भी वही आ गया, वुल्फ भी वही आ गया, तुम्हारा व्हाइट राइनो है, गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, जो ये आपकी मतलब बेल्जियन वीट और टर्कीवाइजर में थोड़ा डिफरेंस है, दोनों वीट भी है। और बेल्जियन वीट में क्या रहता है आपका ऑरेंज पील और कोरिएंडर का, उसमें लोड सकते हैं फ्लेवर है राइट, और उसमें ऐड भी करते हैं। आप देखोगे जैसे वाइट ब्रूडीज में आप जाओ तो वो ऑरेंज पील्स में मतलब ऑरेंज पील्स को एक स्ट्रेनर में डाल वो ऐसे डिप करते हैं उसमें, जैसे आपका हाँ जो माइक्रोब्रूडी बेसिकली उनका इंस्टेंट यूज करते हैं, उसका फ्लेवर उसका जो अरोमा है उसमें आ जाता है, कोरिएंडर भी उसमें यूज करता है। लेकिन जो हेफेवाइजर है उसका क्या है, वो इसमें आपका बनाना और क्लोव्स का, बनाना एंड क्लोव्स यानी केला और लौंग, लौंग जब आप बिल्कुल अच्छे से उसको जैसे आप स्निफ करोगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें बनाना और होता है क्लोव्स का जो आ रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि बनाना और क्लोव्स डाला हुआ है इसमें, ऐसा नहीं है, वो जैसे ईस्ट का स्ट्रेन वो रहता है जो ईस्ट यूज में यूज करते हैं तो वो इसमें छोड़ता है वो फिर। ओके, तो ये इसका Nice. तो ये अभी आपने सिर्फ उत्तराखंड में भी मोस्टली देहरादून में ही, अभी देहरादून में हमने स्टार्ट किया है, अभी उत्तराखंड में ही हमारा सेल है। अभी हमने खाली जो पैकेजिंग है वो क्या पाइंट यानी बॉटल में है और कैग 30 लीटर में, राइट, कैग 30 लीटर में है जो बार में जाता है, और एक 330 ml का हमारा पाइंट है, और कैन भी अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, एम टी कैन देखें वो क्या, वो कौन से, वो 500 है नहीं, वो 330 ml है, तो 330 ml कैन भी 330 में, और आई थिंक इंडिया की यूनिक फर्स्ट है। हाँ वही तो, इट्स यूनिक, इट्स यूनिक, चलो बहुत बढ़िया। ये है रिवर जो कि बियर प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर, आज इन्होंने बहुत अपना वैल्यूबल टाइम दिया हमको बताया एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ कि बियर व्यू कैसे करते हैं, पिल्सनर के बारे में बताया, हैप्पी जिम बियर बताया, आई थिंक हैप्पी जिम बियर फर्स्ट टाइम इंडिया में मैं देख रहा हूँ, वैसे हैं काफ़ी देखे हैं बट इस तरीके से प्रोडक्शन हैप्पी जिम बियर का मैं पहली बार देख रहा हूँ इंडिया में। तो सबसे गौरव वाली बात है कि हम उत्तराखंड के हैं, मोस्टली हमारे देहरादून जैसे शहर में बियर उन्होंने स्टार्ट करी है, इनके बहुत से ही फ्यूचर प्लान्स हैं, हिमाचल से भी हैं और बहुत ही यंग हैं, तो ये भी हमारे एक आइडियल हो सकते हैं कि हमने सुना था कि अब ब्रीवर या ब्लेंडर काफ़ी एजेड हो जाएंगे और बहुत बूढ़े हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये भी एक तरह के हमारे बहुत बड़े उदाहरण है कि आप कम उम्र में भी आप एक प्रोडक्शन लेवल में जाके आप अपने करियर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपसे मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बड़ा योगदान रहा जो हमारे बार अकेडमी जून के स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी नॉलेज इज अ डिफरेंट थिंग बट यस की प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही अलग होती है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.